गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने हमारी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने क्या किया था, मेनली कि जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थे उनको हमने कंपेयर किया था, उनके रेशियोज को a1/a2, b1/b2, c1/c2। देन वी चेक द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट। If lines are intersecting, then these have a common point. Is that a unique solution? And so these are consistent. जिनका solution होगा वो lines हमारी क्या होती हैं? Consistent. फिर हमने parallel lines पढ़ा। Parallel lines के बीच में कोई भी common point नहीं होता। These have no common point. So these are parallel and have no solution. उनका कोई भी solution नहीं होगा क्योंकि कुछ भी common है ही नहीं। Common नहीं है तो solution भी नहीं है। और अगर सॉल्यूशन नहीं है देन लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। फिर हमने कॉन्सिडेंट लाइंस को पढ़ा। व्हेन लाइंस कोइंसाइड विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रही है, कोइंसाइड कर रही हैं। एंड एवरी पॉइंट कोइंसाइड विद, मतलब विद एवरी पॉइंट ऑफ वन लाइन कोइंसाइड विद एवरी पॉइंट ऑफ सेकेंड लाइन। दोनों लाइन्स का हर एक पॉइंट एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा है, टच में है। तो सभी के सभी पॉइंट क्या है? So all points on the lines are common. So these have infinite many solutions. ये चीज़ें की थी हमने, तो देखते हैं हमने। और अगर many solution है उनके तो वो भी क्या होती हैं? Consistent होती हैं। जिनका solution होगा वो consistent होगी, जिनका solution नहीं होगा वो क्या होंगी आपकी? Inconsistent. Clear है? तो next देखते हैं आगे। हमारा fourth जो question है वो क्या है, कहता है which of the following pairs of linear equations are consistent or इनकंसिस्टेंट। कि जो आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं उनमें से कौन सी आपकी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट कब होंगी? जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी और क्या होंगी? कॉन्सिडेंट होंगी। ऑब्टेन दी सॉल्यूशन है ग्राफिकली। ग्राफिकली हमें उसका क्या बताना है? सॉल्यूशन बताना है। ग्राफ प्लॉट करके सॉल्यूशन बताना है आपको, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं हमारी जो एक्सरसाइज है फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखिए फर्स्ट है आपका x+y=5, 2x+2y=10। ध्यान से देखो, अगर हम इनके रेशियोज को कंपेयर करें तो क्या बनता है ये a1 क्या है यहाँ 1, तो 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 5/10, दैट इज 1/2। क्या आ गया यहाँ से आपका a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों इक्वल आ रहे हैं। व्हेन a1/a2 फर्स्ट में आ रहा है आपका a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सो लाइंस क्या बन जाएंगी आपकी? लाइंस आर कॉन्सिडेंट। लाइंस क्या है आपकी? कॉन्सिडेंट। और अगर लाइंस कॉन्सिडेंट हैं तो दीज हैव मैनी सॉल्यूशन। अब अगर इनके मैनी सॉल्यूशन है सो दीज आर कैसी होंगी? ये कंसिस्टेंट। क्या होंगी? ये कंसिस्टेंट। मैंने यहां ये डायरेक्ट लिख दिया आपको, ये पहले इक्वेशंस लिखनी है, इनको कंपेयर करके दिखाना है, फिर ये लिखोगे, ठीक है। सिंस a1/a2 b1/b2 = c1/c2, सो लाइंस आर कॉन्सिडेंट, दीज हैव मैनी सॉल्यूशन, सो दीज आर कंसिस्टेंट। अब अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है? इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। वो भी कैसे फाइंड आउट करना है? ग्राफिकली। ग्राफ पे हमें इनका सॉल्यूशन बताना है। तो ग्राफ फॉर x+y = 5 के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमने इसकी वैल्यूज ले ली एक्स वाई, ठीक है। अब जब आपने x को 0 रखा तो y 5, जब आपने y को 0 रखा तो x 5 आ गया ये। तो फिर इसी तरह से ग्राफ फॉर 2x+2y = 5, ध्यान दो, ओ सॉरी 10 है। अगर हम यहां से 2 कॉमन निकालें तो क्या बचेगा? x+y = 10। 2 है, इस 10 को 5 पे कैंसिल आउट करेगा, क्या आ गया? x+y = 5। तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे इसके लिए भी पॉइंट्स क्या आएंगे? सेम आएंगे बिल्कुल। जब x0 y5, जब y0 x5, ठीक है। प्लॉट करना है हमें लाइंस को इस तरह से। लेंगे हम लाइंस, हमारी ले ली हमने
ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसी तरह जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 0। तो पॉइंट्स लिए हमने पहले फर्स्ट लाइन का 0 5, मतलब x0 y5, तो x0 y5 ये पॉइंट आएगा, फिर 5 0 x5 y0 ये पॉइंट, और दूसरी लाइन के भी यही पॉइंट है, मतलब दोनों ही लाइंस कहाँ लाई करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स पर लाई करेंगे, 0 5 पे और 5 0 पे। दोनों लाइंस को ही कैसे मेंशन कर दोगे, x प्लस y इक्वल टू 5, और एक तरफ लिख देना 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। लाइंस कॉन्सिडेंट है तो सारे सॉल्यूशन कहाँ लाई करेंगे, इसके ऊपर ही लाई करेंगे, क्लियर है। तो ये क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया इसका 0 5 से लेके 5 0, क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। इस तरह से हमें अगर लाइंस कंसिस्टेंट आते हैं तो बाई ग्राफ उसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। फिर सेकंड आ गई है आपका, सेकंड आ गया है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ध्यान दो, x बाय में ये 1 बाय 3, a1 बाई a2, b1 बाई b2, माइनस 1 बाय में माइनस 1 बाय 3, तो माइनस 1 माइनस 3 माइनस माइनस क्या 1 बाय 3 आएगा, और c1 8 बाई 16, तो 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा, मतलब 8 2 ज़ा 16, 1 बाई 2। अब क्या आ रहा है इसमें आपका, इसमें आ रहा है हमारा a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये दो पार्ट तो आपके इक्वल हैं बट ये पार्ट इक्वल नहीं है, इट मीन्स लाइन्स आर, हाँ जी, पैरेलल लाइन्स हमारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब लाइन्स पैरेलल हैं तो हैव नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अब नो सॉल्यूशन है सो दीज आर इनकंसिस्टेंट, ये कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है तो इसको हमें ग्राफ से सॉल्व नहीं करना, जो इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट आएंगी उन्हीं को हमें ग्राफ से उनका सॉल्यूशन निकालना है, बाकी को सॉल्व नहीं करना, क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट है, थर्ड है, इसमें a1 बाई a2 2 बाई 4, 1 बाई 2 बनेगा, ये भी आपका 1 बाई 2 बनेगा, 6 बाई 4, ये इक्वल नहीं, फिर से पैरेलल लाइंस आएंगी आप, इसका भी आपको ग्राफ नहीं बनाना। नेक्स्ट में 2 बाई 4 और थर्ड में a1 बाई a2 1 बाई 2 बनेगा, b1 बाई b2 1 बाय माइनस का 2 है तो माइनस का 1 बाई 2 बनेगा, तो यहाँ पे आपका a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा, c1 बाय c2। ये तीनों ही पार्ट आपके इक्वल नहीं है। अब ये तीनों पार्ट आपके जब इक्वल नहीं होते तब लाइन्स कैसी होंगी हमारी, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, क्लियर है। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो दीज आर कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट हो जाएंगे, कंसिस्टेंट है तो पहले इसका ग्राफ प्लॉट करोगे फिर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, दोनों जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या आएगा उसका सॉल्यूशन। इस तरह का हमने एक सॉल्यूशन पीछे भी निकाला था, शायद फर्स्ट क्वेश्चन में ही निकाला था, जैसे जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वही हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा फिर से पैरेलल लाइन आएंगी, नेक्स्ट आएगा हमारा पैरेलल लाइन, इसमें कोई ग्राफ नहीं बनेगा, क्लियर है आपको। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अब, नेक्स्ट है हमारा फाइंड हाफ द पैरीमीटर, क्या बोल रहा है ये, हाफ द पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके पैरीमीटर का जो हाफ है, हुज लेंथ, अब किसकी लेंथ बोल रही है इसने, किसकी बात कर रहा है ये, रेक्टेंगुलर गार्डन की बात कर रहा है, तो रेक्टेंगुलर गार्डन है जो उसकी लेंथ है वो कितनी है, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इसकी विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर, मतलब जो इसकी चौड़ाई है लंबाई उससे 4 मीटर ज्यादा है। इज 36, अब ये इज 36 क्या है, इसने क्या बात कर रहा था ये शुरू में, हाफ द पैरीमीटर, पैरीमीटर के हाफ की बात कर रहा था, वो पैरीमीटर का हाफ कितना है, 36। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन के हमें डायमेंशन निकालने हैं, तो ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसके डायमेंशन हमें पता, लेंथ और ब्रेथ होती है, तो लेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, लेट लेंथ ऑफ गार्डन क्या लेंगे, एक्स, ब्रेथ बोलो या विड्थ बोलो, ब्रेथ ऑफ गार्डन हमने क्या ले ली, वाई मीटर, दोनों में मीटर लगा दिया, ठीक है, हो गया। तो पहले हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन,
फर्स्ट कंडीशन में इसने क्या बोला है बेटा, ये कहता है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है इट मीन्स आपको ब्रेथ में क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा तभी दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि जो चीज कम होती है उसी में हम ऐड करते हैं या फिर या जो चीज ज्यादा है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, बात एक ही आएगी। तो वाई को इधर ले आओ, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। देन अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन इसने क्या दी है, इसने बोला है हाफ द पेरीमीटर इज 36, हाफ द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है इसका ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ये है। और इसका क्या दे दिया इसने, हाफ इक्वल टू कितना है 36, हाफ द पेरीमीटर, हाफ बोल रहा है तो मैंने नीचे टू से डिवाइड कर देंगे, हाफ तो ऐसे ही होता है, हाफ को कैसे करते हैं हम, जैसे हाफ ऑफ एक्स तो 1/2 ऑफ एक्स, ये होता है हाफ, ठीक है। तो मैंने 1/2 कर दिया पेरीमीटर का, इक्वल टू 36, 2 से 2 गया, लेंथ है हमारी एक्स, ब्रेथ हमारी वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, ये आ गए आपके सेकंड कंडीशन, क्लियर है। तो अब यहाँ से हम क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, क्योंकि तो सॉल्यूशन निकालना है हमें। तो ग्राफ फॉर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 इस लाइन के लिए, जब इस लाइन के लिए हम पॉइंट्स रखते हैं हमारे एक्स वाई, जब एक्स जीरो वाई ध्यान दो माइनस 4 आएगा, ठीक है, और जब वाई जीरो देन एक्स 4, ये आ गया। फिर लेते हैं हम ग्राफ फॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। अब ध्यान देना बेटा, इसके अंदर अगर हम 0 0 लेते हैं तो सीधा हम 0 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा ग्राफ क्या है बड़ा बन जाता है उसमें, क्योंकि 36 जा रहा है ये आपका, ठीक है। अगर आपको 0 0 लेना है 0 0 ले लो, और कोई वैल्यू लेनी है और ले लो, जैसे कि हमने ले ली 18 ले लेते हैं हम, ठीक है। एक बार x 18, जब x 18 है तो y एक उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y भी कितना आएगा 18। अब ये तो सिंगल पॉइंट आ गया, हमें एक वैल्यू और लेनी पड़ेगी, बीच की वैल्यू ले सकते हैं हम 18 18, ठीक है, और लेते हैं। अगर एक्स जीरो देन वाई 36, और अगर वाई जीरो एक्स 36, दोनों ये भी ले ली हमने और एक बीच की वैल्यू भी ले ली, ठीक है, तीन वैल्यू ले ली अब हमने। अब देखो ग्राफ कैसे बनाओगे, जो ग्राफ का स्केल है आपको वो कम का रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज बड़ी बड़ी है। तो मैं 8 का गैप ले रही हूं, 8 16, ठीक है, या 4 4 का चाहे तो आप 4 4 का भी ले सकते हैं, 8 माइनस 16 माइनस 32, सॉरी माइनस 24 माइनस 32, इस तरह भी इसी तरह वैल्यूज ले लेना, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा एक्स जीरो वाई माइनस 4, तो माइनस 4 इसका हाफ आएगा, ये आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट है एक्स फोर वाई जीरो, तो ये आ गया। आई थिंक मैंने स्केल थोड़ा ज्यादा बड़ा ले लिया, तो ग्राफ छोटा बन रहा है इसमें आपका, इस तरह से ये मिलेंगे आपकी लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइन देखते हैं, एक तो है 18 18, अब 18 18 कहाँ आएगा, देखो 16 और 24 के बीच में आएगा, ट्वेंटी आएगा, और 16 और 20 के बीच में 18 आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 16 और इनके बीच में 20, और 20 और 16 के बीच में ये आ गया आपका 18, मतलब ये इधर और ये इधर, तो एक पॉइंट तो ये आएगा, ठीक है। फिर एक्स जीरो है वाई 36, एक्स जीरो वाई 36, अब देखो 36 34 और 40 के बीच में आएगा, बिल्कुल 36 आएगा, क्लियर है। इधर भी 32 और 40 के बीच में आएगा आपका 36 0, ये आ गया 36 0। तो इन दोनों को ज्वाइन करो आपस में, ठीक है। अब ध्यान दो, जो हमने ग्राफ प्लॉट किया बनाया हमारा, उसके अंदर ये जो पॉइंट आपका बिल्कुल इसके बीच में आ रहा है, मतलब कहाँ पर आ रहा है, एक्स 20 पर आ रहा है,
और वाई देखो आप किसके सामने जा रहा है, 16 के सामने जा रहा है जो इनका एक्सटेंडेड पॉइंट है, जो इनका इंटरसेप्टिंग पॉइंट है। इधर 20 की तरफ आ रहा है, इधर किसकी तरफ आ रहा है, 16 की तरफ। तो इन दोनों वैल्यूज को आपको इस तरह चेक करना है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये कितना है, 20 16, इसका मतलब हमारी जो लेंथ है एक्स है वो कितना आ गया 20, और जो ब्रेथ है आपका वाई है वो कितना आ गया 16 मीटर। तो ये आ गए आपके डायमेंशन, क्लियर है। देखो बेटा यहाँ स्पेस कम था तो मैंने ये इनका जो गैप है ज़्यादा ले लिया, वरना आप लोग 4 4 का गैप लो, ठीक है, क्योंकि 4 4 के गैप में आपका 20 भी आता है, 16 भी आता है, 30 36 भी आता है। तो ये वैल्यूज डायरेक्ट आपके प्लॉट हो जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा बनेगा पर अच्छे से बन जाएगा आपको, ठीक है। 20 और 16 आपको डायरेक्ट दिखाई देंगे, क्लियर है क्वेश्चन आपको। तो आगे देखते हैं हम लोग, हमारा 6th क्वेश्चन है, गिव द लीनियर इक्वेशन, गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स में हमें कोई दूसरी इक्वेशन लिखनी है, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, जो हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, मतलब जो आपको एक दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है उसके बाद जो पेयर बनेगा वो कैसा होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए फर्स्ट में, सेकंड में पैरेलल लाइन होना चाहिए, और थर्ड में क्या होना चाहिए, कॉन्सिडेंट लाइंस होना चाहिए। तो किस तरह से करोगे इसको, तो जो आपके गिवन लीनियर इक्वेशन है उसको राइट डाउन करो पहले, गिवन 6th क्वेश्चन है हमारा लीनियर इक्वेशन क्या है आपकी, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहां हमें लाइन बनानी है, उसके लिए पहले ये चेक कर लो इसका a1 क्या है, 2 है, b1 क्या है इसका, 3 है, और c1 क्या है इसका, माइनस 8, ठीक है। या फिर इस 8 को अगर आप दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हो, जैसे उधर ले गए हम, तो ये इक्वल टू क्या बन जाता है, प्लस का 8 बन जाएगा, तो प्लस का 8, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। उधर जाएगा, अगर इधर है तो इसको माइनस रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ सेम जाता है, ठीक है। फिर जब आप इक्वेशन बनाओगे उसमें इक्वल टू में सी उधर ही लेना होगा आपको, ठीक है। हमने पहले माइनस रखा था तो माइनस ही मैंने आपको बताया था वैसे, तो a1 2 हो गया, b1 हो गया, c1 माइनस 8 हो गया हमारा, ठीक है। पहला फर्स्ट पार्ट है हमारा 4 इंटरसेक्टिंग लाइन, हमें इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए बनाना है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब हमें पता है, वी नो दैट फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन होती है हमारी कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों ही हमारे इक्वल नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a1, b1, c1 जो भी आपको दिए हुए हैं उसके अलग लेने हैं हमें a2। तो हम लेट कर लेंगे, कोई भी नंबर ले लो आप a2 में, जैसे कि हमने ये 2 है इसको हमने क्या ले लिया, 3, b2 को क्या ले लिया, 2 2, ठीक है, और c2 को क्या ले लिया, जैसे कि हमने ये -8 है, मतलब इसका ये जैसे 2/3 आ रहा है, ये 3/2 आ रहा है, कोई भी ऐसा ले लो, जैसे मैंने ले लिया इसको -16 ले लिया। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, इज दैट 3x प्लस 2y, c2 लिया है ना हमने, -18 इधर ही था, तो ये -16 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। अपने अकॉर्डिंग लेना है हमें, यहाँ पे आपके 5 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, यहाँ कोई और नंबर ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग बनाना है बस। क्या आना चाहिए आपका, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये कंडीशन आनी चाहिए आपकी, क्लियर है आप सबको। नेक्स्ट है इसी का सेकंड है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस में आपको पता है क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब हमें पता है इसका, देखो इसके ये तो वही है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 होना चाहिए। तो जैसे मैंने 2 है, 2 के साथ a2 ले लिया मैंने, 4 ले लिया, b2 ले लिया मैंने, 6, और c2 ले लिया मैंने माइनस का 24, ध्यान दो। अब हमें पता है a1 हमारा 2 है, तो 2/4 कितना आएगा, देखो 2/4 1/2, 3/6 1/2, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया। जब हमने -8/-24 किया तो 8 थ्री सा होता है, ये 1/3 आ रहा है, नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। तो क्या बनेगी पैरेलल लाइन के लिए, 4x प्लस 6y-24 इक्वल टू 0,
क्लियर है। थर्ड आ गया इसी तरह से कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट के लिए क्या लोगे, अब जैसे हमने यही लिया था इसी से हम कॉन्सिडेंट बना सकते हैं। ए वन बाई ए टू आएगा इसमें, बी वन बाई बी टू आएगा, नॉट इक्वल टू है ना, कॉन्सिडेंट में बस इक्वल टू सी वन बाई सी टू लेना होता है, मतलब इसमें वन बाई टू वन बाई टू आ रहा है, तो 16 की जगह और 24 की जगह क्या ले लोगे, सी टू ले लोगे इसमें माइनस का 16, तो वो भी कट के आपका 1/2 आएगा, तो कॉन्सिडेंट लाइन बन जाएगी। क्लियर है सबको। सेवन्थ है, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू जीरो, इन दोनों इक्वेशंस का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, इन दोनों लाइंस को जब आप ड्रॉ करोगे तो वहां पे एक ट्रायंगल बनेगी, एंड द एक्स एक्सिस, दोनों लाइंस की और एक्स एक्सिस, इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगल बनेगी, शेड द ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगुलर रीजन को आपको शेड करना है। तो सबसे पहले तो हम लिख, सबसे पहले तो क्या लिखोगे आप, गिवन इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को लिखोगे, फिर लिखेंगे हम ग्राफ ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, इज दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन हो गया, तो इसमें पॉइंट्स प्लॉट कर लो इसके, एक्स वाई, जब मैंने एक्स को जीरो किया ध्यान दो, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस से माइनस कट गया वाई वन आ गया, जब वाई जीरो तो एक्स माइनस वन हो गया। फिर इसी तरह दूसरी लाइन के लिए ग्राफ ले लेंगे, ग्राफ फॉर थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व है, तो थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ट्वेल्व हो गई है, एक्स वाई, ध्यान दो ये टू वाई है, ठीक है, जब एक्स को जीरो किया ये एक्स जीरो, तो टू वाई इक्वल टू ट्वेल्व, तो वाई इक्वल टू टू इसको कितने पे काटेगा, सिक्स पे, जब वाई जीरो, अब वाई जीरो तो थ्री एक्स इक्वल टू ट्वेल्व, तो एक्स इक्वल टू थ्री फोर जर ट्वेल्व आ गए ये पॉइंट्स, इनको प्लॉट करो आप ग्राफ पे अच्छे से। ठीक है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, आप इधर भी रख लेना इनको, पूरा बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट था हमारा जीरो वन, एक्स जीरो वाई वन, ये आ गया। दूसरा पॉइंट था हमारा एक्स माइनस वन और वाई जीरो, तो ये हमारा माइनस वन माइनस टू थ्री, तो दूसरा पॉइंट ये, तो एक तो ये लाइन बनेगी, पहले हम लाइन्स को बना लेंगे हमारी, ठीक है, इसके साथ में नेमिंग करते जाओ, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन। नेक्स्ट है हमारी x जीरो वाई सिक्स, ये पॉइंट आएगा x जीरो वाई सिक्स, और नेक्स्ट है फोर जीरो एक्स फोर वाई जीरो, ये आ गया आपका फोर जीरो, ये आ गया आपका जीरो सिक्स। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे इस तरह से, कर दिया, तो ये इक्वेशन कौन सी है आपकी, थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ट्वेल्व, ठीक है। अब इसने कहा था कि आपको एक ट्रायंगल मिलेगी, कैसे मिलेगी, एक्स एक्सिस के साथ और दोनों लाइंस के साथ, तो आप देख सकते हो एक्स एक्सिस कौन सा है आपका, ये पूरा का पूरा हमारा एक्स एक्सिस है, तो कौन से पॉइंट से जा रहे हैं, ये दोनों पॉइंट से ट्रायंगल बन रही है, देखो यहाँ से ऐसे, तो इनके नेम कर दो आप ए बी सी। अब ए हमें पता है क्या है आपका, ए कितना है माइनस वन जीरो, बी हमें पता है क्या है हमारा फोर जीरो, सी देखो कहाँ आ रहा है, इधर किसके सामने है, थ्री के सामने है, इधर लगभग आपका टू के सामने है, तो ये क्या हो जाएगा आपका टू थ्री, तो ये इसके वर्टेक्स आ जाएंगे। क्लियर है, कर लेंगे सभी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2 जो हमने कंप्लीट कर ली है, तो आज के होमवर्क में आपकी यही है, आपको 3.2 कंप्लीट करनी है अच्छे से, ग्राफ अच्छे से बनाओगे, बिल्कुल अच्छे से साफ 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 ग्राफ होने चाहिए, कहीं पर कटिंग नहीं, जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो आप उसमें नेमिंग करोगे, क्लियर है, थैंक यू। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक जरूर करो, थैंक यू बेटा।